हे एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है एक स्पेशल मेकअप, गेट रेडी विथ मी फॉर ईद। एंड आज मैंने एक येलोइश मेकअप क्रिएट किया है, और अगर आप लोगों को ये मेकअप करना है इसके लिए तो लास्ट तक देखते रहिए। एज़ यूजुअल मैंने मॉइस्चराइज़र के लिए लैक्मे पिच मिल्क मॉइस्चराइज़र लिया है और अपने फेस पे और नेक पे अच्छे से अप्लाई कर दिया है। और आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो पे भी मैंने बोला है, सब वीडियो में ही मैं बोलती हूँ कि मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत पसंद है क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ही पतला है तो अच्छे से अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट मैंने लिया है न्यूट्रीजिना अल्ट्रा शेयर SPF 50+ सन ब्लॉक, और मैंने टू फिंगर की मदद से अपने फेस पे और नेक पे अच्छे से अप्लाई किया है। चाहे तो हाथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं सन के रेस से बचने के लिए। और जैसे कि मैंने ये डे लुक क्रिएट किया है तो सनस्क्रीन हो या सन ब्लॉक जो भी है वो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करे। मैंने यहाँ इनसाइड का प्राइमर 3-in-1 प्राइमर लिया है और ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। डार्क सर्कल रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का एक डार्क कंसीलर अप्लाई किया है अंडर आई पे, लिप पे, और जहाँ जहाँ थोड़ा स्पॉट है, डार्क स्पॉट है, वहाँ मैंने अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर दिया है। फॉर द फाउंडेशन मैंने इनसाइड का अल्ट्रा थिन लाइट वेट फाउंडेशन लिया है, और यहाँ मैंने सब प्रोडक्ट का शेड डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। पूरे फेस पे और नेक पे मैंने फाउंडेशन को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है डॉट डॉट करके। देन मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। सेटिंग स्प्रे मैंने थोड़ा सा ब्रश के ऊपर स्प्रे कर दिया है ताकि और भी अच्छे से ग्लाइड हो फाउंडेशन अपने फेस पे और नेक पे, और अच्छे से फाउंडेशन बैठ जाए सेटिंग स्प्रे की मदद से। कभी कभार फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा अगर अप्लाई हो जाए फेस पे नेक पे तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से ब्लेंड करना होता है। अगर ब्लेंड के बिना कुछ भी नहीं होता, अगर अच्छे से आप ब्लेंड कर लो ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो बैठ जाता है। और अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन आपके स्किन टोन से थोड़ा लाइट है तो सेम आपको अच्छे से ब्लेंड करना होता है, और तब तक ब्लेंड करना होता है जब तक ना वो स्किन पे अच्छे से बैठ जाए। और लास्टली मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से टैप टैप करके ब्लेंड कर रही हूँ। फॉर द कंसीलर मैंने यहाँ इनसाइड HD कंसीलर अप्लाई किया है, और यहाँ मैं क्विक्स अप्लाई कर रही हूँ जो, और ये थोड़ा सा मतलब अब लोगों को लग रहा होगा कि क्या कर रही है, पागल हो गई है। नहीं, पागल नहीं हूँ मैं बात ये है कि लिपस्टिक के ऊपर मैं कंसीलर अप्लाई इसलिए कर रही हूँ ताकि एक अंडर आई के नीचे थोड़ा सा ब्लशी इफ़ेक्ट दे। हम लोग तो चीक्स पे ब्लश लगाते हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ा अंडर आई पे भी थोड़ा सा ब्लशी इफ़ेक्ट दे, और ये मैंने कहीं देखा था तो ये ट्रिक्स मैंने भी फॉलो किया तो मुझे लगा देखते हैं कैसे होता है।
यहाँ मैंने आईब्राउ को फिल करने के लिए पहले मैंने एक स्पूल की हेल्प से अपने आईब्राउ को अच्छे से कॉम कर लिया है और नेक्स्ट मैंने आईब्राउ रिफाइनर ब्लू हेवन का लिया है और अच्छे से मैंने अपने आईब्राउ को फिल कर दिया है। फिर इसको अच्छे से सेट करने के लिए इनसाइड बनाना लूज पाउडर मैंने अप्लाई किया है और अंडर आई पे अच्छे से मैंने अंडर आई को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। कप्स एंड लैशेस का पैलेट मैंने यहाँ लिया है और एक येलो कलर शेडो शिमरी शेडो मैंने अप्लाई किया है अपने आई लिड पे पूरे आई लिड पे और इनर से आउटर कॉर्नर तक मैंने अच्छे से ड्रैग करके अप्लाई किया है। और आईलाइनर के लिए मैंने एक रेड आई शेडो अप्लाई किया है। लोअर वाटर लाइन के लिए मैंने ब्लू हेवन का काजल अप्लाई किया है। एक बुलेट ब्रश से मैंने थोड़ा सा स्मच कर दिया है काजल ताकि कोई टैकिंगनेस ना रहे। यहाँ मैं थोड़ा लैश कलर से अपना आई लैश को कर्ल कर रही हूँ। एंड फॉर द मस्कारा मैंने ब्लू हेवन का ट्विस्ट एंड कर्ल मस्कारा लिया है और ये बहुत ही अच्छा एक मस्कारा है और अच्छे से मैं लोअर और अपर लैश पे अप्लाई कर रही हूँ दोनों तरफ। यहाँ मैंने ब्लश और हाइलाइटर के लिए स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट अप्लाई किया है और यहाँ दो मैंने शेड मिक्स करके अपने चिक्स पे अप्लाई किया है। फेस को सेट करने के लिए मैंने सेटिंग स्प्रे एन वाई बे का लिया है और ये ड्यूवी फिनिश देता है। इसका फिनिशिंग थोड़ा सा ड्यूवी है तो स्विच ब्यूटी का सेम पैलेट से मैं यहाँ हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ।
और यहाँ मैंने अपने लिप को आउटलाइन देने के लिए एक पिंक न्यूडिश सा एक लिप लाइनर लिया है और अच्छे से आउटलाइन कर दिया है मैंने। यहाँ मेरा मेकअप पूरा कंप्लीट होता है एक रेड लिपस्टिक के साथ। या दिस इज़ माय फाइनल लुक फॉर ईद। सो को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में और नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगी। टिल देन बाय।